फ्रॉम स्त्री पुरुष तुलना 1882। अब यहाँ पर आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है उस बुक से। हु आर दीज मेन हु गिव सच नेम्स टू, हुज वॉम डिड यू टेक योर बर्थ इन, हु कैरीड द किलिंग बर्डन ऑफ यू फॉर 9 मंथ्स, हु वाज द सेंट हु मेड यू द लाइट इन हर आई। कौन है ये लेडीज जिनको आप इस तरह से नाम दे रहे हैं? आपको पैदा करने वाली कौन थी? किसने आपको अपनी कोख में 9 महीने तक रखा? कौन थी वो महान लेडी जिनको आंखों में चमक आ गई थी तुमको देखकर? How would you feel if someone said about your mother? कैसा लगेगा अगर कोई माँ के बारे में आपके इस तरह से कहे? That old chap's mother, you know, she's a gateway to hell. या आपकी सिस्टर के लिए कहे, That so and so sister, she's a real house, storehouse of deceit. इस तरह के अगर अपशब्द आपकी माँ या बहन के बारे में कोई कहे, Would you just sit and listen to their bad words? आप उनकी चुपचाप बैठ के बातें सुनते रहोगे? Then you get blessed with a bit of education and promoted to some important new office. And you started feeling ashamed of your first wife. पहले क्या था? जैसे थे आप, वैसे ही आपकी शादी हो गई, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। पर जहां आप थोड़ा सा पढ़ लिख गए, आपको एक नए ऑफिस के अंदर प्रमोशन मिल गया, तब आपको अपनी पहली वाइफ से शर्म आने लग गई। Money works its influence on you, and you began to say yourself, "What does a wife matter after all?" अब आपको काम से पैसा आने लग गया, आपके दिमाग में पैसा चढ़ने लग गया, तो आपको ये लगने लग गया कि वाइफ है तो क्या हुआ? Don't we just give them a few rupees a month and keep them at home like any other servant to do the cooking and look after the house? क्या आप अपने आप मन में ये नहीं सोच रहे कि आपकी वैल्यू, आपने जो है अपनी वाइफ की वैल्यू एक उस सर्वेंट के जैसे कर रखी है कि आप उसको कुछ पैसे दे देते हैं महीने में और वो आपके घर का खाना बनाती है या घर की देखभाल करती है? You began to think of her like some female slave you have paid for. आपके ऐसा लगने लगता है, आप ऐसा सोचने लगते हो कि जैसे आपने कोई अपने घर में एक फीमेल स्लेव रखी हुई है जिसको आप पे कर रहे हो। If one of your wives has died, it would didn't take long to replace it, and there's no great labor needed to get another wife either. अगर आपका बाई चांस घोड़ों में से एक घोड़ा मर जाए तो उसको बदलने में देर नहीं लगेगी, आप दूसरा घोड़ा ले आओगे। सेम वे अगर आपकी वाइफ को जो कुछ हो जाए तो आप दूसरी वाइफ ले आओगे, आपको कोई टाइम नहीं लगेगा। The problem is, Yum hasn't got time to carry off wives fast enough, or you would probably get through several different ones in one day. अब आप तो जो हैं, आपकी नजर में वाइफ की कोई वैल्यू नहीं है। आप एक बदली, दूसरी बदली, आपको क्या फर्क पड़ रहा है? आप तो चाहेंगे कि एक हटे दूसरी आए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो यमराज हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो इतनी जल्दी जल्दी वाइफ को ले जाए। अगर आपका बस चलता तो आप एक दिन में जो है बहुत सारी वाइफ को बदल लेते। अब ये जो दूसरा एक्सट्रैक्ट है ये फ्रॉम सुल्ताना'स ड्रीम है जो 1905 में लिखी थी। व्हाट इज द मैटर डियर, शी सेड अफेक्शनली। उसने बड़े से पूछा अफेक्शन से कि क्या बात है? आई फील समवट ऑकवर्ड, आई सेड इन अ रेदर अपोलोजाइजिंग टोन, एज बीइंग अ पर्दानशीन वुमन आई एम नॉट अकस्टम टू वॉकिंग अबाउट अनवेल्ड। मैंने कहा मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है, एक जैसे माफी वाले अंदाज में होता है कि मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है क्योंकि मैं एक ऐसी वुमेन हूँ जो हमेशा पर्दे में रहती हूँ, तो मुझे आदत नहीं है कि मैं ऐसे बिना पर्दे के वॉक करूँ। यू नीड नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ कमिंग अक्रॉस अ मैन हियर, दिस इज लेडी लैंड फ्री फ्रॉम सिन एंड हार्म। तुम्हें यहाँ कोई भी डरने की जरूरत नहीं कि तुम्हारे सामने कोई आदमी आ जाएगा, ये एक लेडीज लैंड है और यहाँ कोई पाप नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। आई बिकम वेरी क्यूरियस टू नो Where the men were, I met more than 100 women while walking there, but not a single man. मुझे बड़ी क्यूरोसिटी हुई ये जानने की कि फिर आदमी कहाँ है। मैंने चलते चलते सैकड़ों वुमेन देखी लेकिन आदमी एक भी नहीं दिखाई दिया। Where are the men, I asked her. आदमी लोग कहाँ हैं, मैंने उससे पूछा। In their proper places where they ought to be. वो अपनी बिल्कुल सही जगह पे हैं जहाँ उन्हें होना चाहिए। Pray, let me know what do you mean by their proper places. अच्छा, तुम्हारा मतलब क्या है कि प्रॉपर प्लेसेस से तुम्हारा क्या मतलब है? ओह, आई सी माई मिस्टेक, यू कैनॉट नो अवर कस्टम्स एज यू हैव नेवर बीन हियर बिफोर, वी शट अवर मैन इंडोर्स। ओह, मेरी गलती है, तुम हमारे यहाँ के कस्टम्स के बारे में तो जानती ही नहीं क्योंकि तुम यहाँ पहले कभी नहीं आई। हमारे यहाँ जो मैन हैं उन्हें हम अंदर बंद करके रखते हैं, मतलब घर में बंद रखते हैं, जस्ट एज वी आर कैप्ट इन द जनाना, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम लोग जनाने में रहते हैं। एग्जैक्टली सो, ऐसा? How funny! I burst into a laugh. Sister Sarah laughed too. कितनी अजीब सी बात है। और मैं जो हूँ उससे हंसने लग गई जोर जोर से, तो मेरी जो सिस्टर सारा थी वो भी जोर जोर से साथ में हंसने लगी। Apart from the early feminist visions, there were a large number of women's organizations
दैट अरोज बोथ एट ऑल इंडिया एंड लोकल लेवल्स इन द अर्ली 20th सेंचुरी, जो शुरुआत के एक विमेन के नज़रिए थे, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे विमेन ऑर्गेनाइजेशंस थे जो ऑल इंडिया या लोकल लेवल पे उन्होंने जो है एक तरह से वो खड़े हुए 20th सेंचुरी में शुरुआत में, एंड देन बिगिन द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द नेशनल मूवमेंट इटसेल्फ, और तभी से एक तरह से वुमेन ने नेशनल मूवमेंट में हिस्सा लेना शुरू किया। नॉट सरप्राइजिंगली वुमेन्स राइट वर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द नेशनलिस्ट विजन, वुमेन के जो अधिकार थे वो भी एक तरह से हिस्सा थे इस नेशनलिस्ट विजन का। In 1931, the Karachi session of the Indian National Congress issued a declaration on the fundamental rights of the citizenship in India, whereby it committed itself to women's equality. 1931 में जो कराची सेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसमें उन्होंने एक डिक्लेरेशन इशू किया फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया के लेकर, जहां पर उन्होंने जो है एक तरह से कमिट किया वुमेन्स इक्वालिटी को लेकर। द डिक्लेरेशन रेड एज फॉलोज, अब डिक्लेरेशन क्या था, All citizens are equal before the law, irrespective of religion, caste, creed or sex. सारे नागरिक जो हैं कानून के सामने बराबर हैं, भले ही वो किसी भी धर्म के हों, कास्ट के हों, क्रीड के हों या सेक्स के हों। No disability attaches to any citizen by reason of his or her religion, caste, creed or sex in regard to public employment, office of power of honor and in exercise of any trade or calling. कहीं पर भी किसी भी सिटीजन को जो है नहीं रोका जाएगा कि वो जो है इस कारण से कि उसके रिलीजन को, कास्ट, क्रीड या सेक्स को लेकर उसको नहीं रोका जाएगा, चाहे कोई वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की जगह हो या कोई ऐसा ऑफिस हो जो पावर या ऑनर का हो या फिर कोई भी ट्रेडिंग या कॉलिंग हो, उसमें किसी को भी जो है इस बिना पर मना नहीं किया जाएगा। द फ्रेंचाइजी शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, मताधिकार भी जो है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के आधार पर होगा। Women shall have the right to vote, to represent and the right to hold public offices. Women का ये अधिकार है कि वो वोट डाल सकें, अपने को रिप्रेजेंट कर सकें, या उनका अधिकार है कि वो पब्लिक offices को होल्ड कर सकें। ये जो है रिपोर्ट है सब कमिटी की Women's Role in the Planned Economy 1947. Two decades after independence, women issues re-emerged in the 1970s. दो दशक बाद इंडिपेंडेंस के women's का जो मुद्दा था वो फिर दोबारा खड़ा हुआ 1970s में। In the 19th century reform movements, The emphasis has been on the backward aspects of the tradition like sati, child marriage or the ill treatment of widows. 19th century में जो reform movements हुए उसमें जो है जोर दिया गया था उन पहलुओं पे जो traditions पुराने चले आ रहे थे, जैसे कि सती था, child marriage था, ill treatment होता था widows का, उसको लेकर reform के movements हुए थे। In the 1970s, the emphasis was on the modern issues, the rape of women in public custody, dowry murders, the representation of women in popular media, and the gendered consequences of unequal development. लेकिन 1970s में जो है अब जोर दिया जा रहा था जो मॉडर्न मुद्दे थे, जैसे कि पुलिस कस्टडी में जो वुमेन का रेप हो जाता है या जो डाउरी को लेकर मर्डर कर दिए जाते हैं, ये वुमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है मीडिया में, या जो अनइक्वल डेवलपमेंट होता है जेंडर के आधार पर, उसके वो चीजों को लेकर मुद्दे उठाए गए। द लॉ वॉज अ मेजर साइड फॉर रिफॉर्म इन द 1980s एंड आफ्टर, स्पेशली when it was discovered that many laws of concern to women has not been changed since the 19th century. अब कानून जो है एक सबसे बड़ा साइड था रिफॉर्म करने के लिए 1980 में, और स्पेशली तब जब ये पाया गया कि बहुत सारी ऐसी लॉज हैं वुमेन से रिलेटेड जिनको बदला ही नहीं गया है 19th century से। As we enter the 21st century, new sides of gender injustice are emerging. अब जब से हम 21st century में कदम रख चुके हैं, तब भी बहुत सारे gender injustice को लेकर कई चीजें उभर रही हैं। You will recall the discussion of the declining sex ratio in chapter 2. अभी आपने chapter 2 में पढ़ा था कि किस तरह से sex ratio जो है वो उसमें कमी आ रही है। The sharp fall in the child sex ratio and the implicit social bias against the girl child represent one of the new challenges of the gender inequality. एक तरह से जिस तरह से child sex ratio गिरता जा रहा है या सोशल बायस है कि गर्ल चाइल्ड नहीं होना चाहिए, ये सब जो है एक तरह के नए चैलेंजेस हैं जो जेंडर इनइक्वालिटी के सामने खड़े हैं। सोशल चेंज वेदर ऑन वुमेन्स राइट और एनी अदर इशू इज नेवर अ बैटल वन वंस एंड फॉर ऑल। सामाजिक तौर पे बदलाव वुमेन अधिकार को लेकर या किसी और मुद्दे को लेकर ऐसा नहीं है कि एक बार हो गया तो वो खत्म हो गया। एज विद अदर सोशल इशूज द स्ट्रगल इज लॉन्ग एंड द वुमेन्स मूवमेंट इन इंडिया विल हैव टू फाइट टू डिफेंड हार्ड वन राइट्स as well as take up new issues as they emerge. बाकी और सामाजिक मुद्दों की तरह इनका संघर्ष भी काफी लंबा है, और जो women's movement है इंडिया के अंदर इनको लड़ना पड़ेगा
तभी जाकर इनको जो है अपने अधिकारों को ये पा पाएंगे और साथ ही साथ जो है नए मुद्दे जो उठ रहे हैं उनको भी जो है उठा पाएंगे जैसे जैसे वो आएंगे।